हेलो व्यूवर्स, द पोपट शो में आपका स्वागत है। मैं आज जो है चित्र के द्वारा मैं द क्लेवर फॉक्स एंड द स्टार्व्ड क्रो, यानी कि चालाक लोमड़ी और भूखा कौए के बारे बताने जा रहा हूँ। तो चित्र के द्वारा बताएंगे आपको, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, इस प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आगे भी आपको और भी प्रोग्राम चित्र के द्वारा दिखाता रहूं इस पोपट शो में। तो आप लोगों का स्वागत है। अब शुरू होता है ये चित्र कथा, आप देखिए। बहुत समय की बात है, एक गांव से एक दूर जंगल था, वहाँ पर एक कौवा और एक लोमड़ी रहते थे। और कौवा को उस गांव के एक घर से एक आधी रोटी का टुकड़ा मिल गया, जिसको लेकर वो पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में जो लोमड़ी थी, चतुर लोमड़ी कहलाती थी, वो गांव में जब उसको कुछ ना मिला, वो जंगल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो भूख से प्यासी इधर उधर देख रही थी, ताक रही थी कि शायद मुझे कहीं खाना मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, पर उसे कुछ ना मिला। जैसे ही वो पेड़ के नगीच आई, उसने क्या देखा कि कौवे के मुँह पर आधा रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। और वह तरकीब सोचने लगी, मैं इस रोटी को कैसे इसके मुंह से निकालूं, क्योंकि आपको पता है कौवा सभी जातियों में से चतुर होता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज़ होती है। और यह सोचकर वो तरकीब लगाने लग गई और सोचने लगी कि मैं इसको ना किस तरह से इसके रोटी को मैं अपने खाकर अपनी भूख मिटा लूं। और वह कौवे से कहने लगी, कौवे भाई, आप क्या कर रहे हो? वो बोला नहीं, उसे पता था कि अगर मैंने बोला तो मेरी रोटी नीचे जाकर गिरेगी। वह चुपचाप खड़ा बैठा रहा पेड़ पर। और वह लोमड़ी कहने लगी, वाह 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 कौवे भाई, आपकी आवाज़ तो इतनी सुरीली है क्योंकि सभी पंछियों में से ज़्यादा आपकी आवाज़ बड़ी मधुर है, और आपकी आवाज़ तो कौवे से भी, मतलब कौवा तो हाई चलाक था, वह सोच रहा था। और लोमड़ी कहने लगी कि आपकी आवाज़ ना कोयल से भी ज़्यादा मीठी है और ऐसी सहज से भरी हुई है, जब आप काऊं काऊं करते हो तो इतनी मधुर आवाज़ लगती है। ऐसे बोलकर वो जैसे ही बोली, इतने में कौवा फूले ना समाया, और वह जैसे ही काऊं काऊं करने लग गया और उसके मुँह से रोटी जाकर नीचे गिर गई। और लोमड़ी ने उसे खाया, झट से उठाया, अपनी भूख को मिटाया। इसीलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी प्रशंसा के लिए जो कोई हमारी प्रशंसा करे, अपनी बुद्धि से काम ले। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए।